हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज में तीन स्मार्टफोन लॉन्च हो गई है दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी S23, S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा, ये तीनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है दोस्तों। और सैमसंग गैलेक्सी के एस सीरीज में एक छोटू वर्जन भी इंडियन मार्केट में काफी जल्द देखने को मिलने वाली गाइस, जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S23 FE होने वाली है। तो इस फोन के रिगार्डिंग सभी तरह का फीचर्स लीक हो चुकी है गाइस, साथ में लॉन्च डेट भी निकल के आई है दोस्तों। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के प्रेडिक्टेड और एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन की हाईलाइटिंग डिस्प्ले के बारे में। तो 6.5 इंच की FHD प्लस 10 बिट 2K डायनामिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली, जो की 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली। साथ में इस पैनल में HDR10+ सपोर्ट, वाइड बैंड 11 सपोर्ट एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। तो डिस्प्ले के मामले में किसी भी तरह की कमियां देखने को नहीं मिलने वाली है गाइस। तो इस डिस्प्ले से Amazon, Netflix का कंटेंट आप अच्छी क्वालिटी देख पाएंगे गाइस। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन की हाईलाइटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस बार दिया जाए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ दोस्तों, जिसमें किसी भी तरह का हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलती है। और इस चिपसेट से आप गेमिंग नेक्स्ट लेवल का खेल पाएंगे गाइस। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 FE इस बार एंड्रॉइड 13 पर रन करने वाली है और One UI 5.1 पर रन करने वाली है गाइस। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन की हाईलाइटिंग कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। तो रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा पैटर्न देखने को मिलने वाले, जिसका मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल OIS सपोर्ट के साथ आने वाली है। अगर टू लेंसेज का बात करें दोस्तों, अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल एंड 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलने वाली है। तो रियर से आप 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी की वीडियो 90 FPS में शूट कर पाएंगे गाइस। अगर बात करें सेल्फी शूटर के दोस्तों, इस बार दिया जाएगा 32 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी हेल्प से काफी अच्छी क्वालिटी का वीडियो एंड फोटो शूट कर पाएंगे। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन की पावर बैकअप की दोस्तों, इस बार दिया जाएगा 4500 mAh की नॉन रोमल फॉर्मेट एंड टाइप सी सपोर्ट के साथ। और इस मॉडल को बैटरी को चार्ज करने के लिए आउट द बॉक्स 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जर का भी ऑप्शन में दिया जाएगा दोस्तों, एंड 15 वाट का वायरलेस चार्जर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। अगर एक्स्ट्रा सेंसर की बात करें दोस्तों, इस बार दिया जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल स्टीरियो स्पीकर, कंपास सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप एंड डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर भी प्रोवाइड कराने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस फोन के प्राइसिंग एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में। तो इस फोन का प्राइस अप्रोक्स 50 से 55,000 के अराउंड में आ सकती है। और इस फोन का लॉन्चिंग डेट का बात करें दोस्तों, तो लीक्स में बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन अगस्त या सितंबर के बीच में देखने को मिलने वाली, वो भी काफी एग्रेसिव प्राइस में। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।